कुछ यही हाल है शौर्वरी का। आज शौर्वरी के नैनों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज पार्थ को टैनी के साथ साथ फेरे लेते देख टैनी की आंखों से आंसू बस बहते ही जा रहे हैं। सीरियल दिल से दिल तक की कहानी में फाइनली वो ट्विस्ट आ ही गया जिसका इंतजार ऑडियंस दिल थामे कर रही थी। शौर्वरी लौट आई है, वो भी ठीक उस वक्त जब पार्थ ले रहे हैं टैनी के साथ साथ फेरे। और शौर्वरी के पास अब सिर्फ मुंह छिपाने और आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं रह गया है। शौर्वरी, जैसा कि आप पहले से ही चाहती थी कि टैनी पार्थ की जिंदगी में आपकी कमी पूरी कर दे और वो हो भी गया है, तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि एक तो शौर्वरी को बेचारी कोई उम्मीद ही नहीं थी, 1% चांस लेके गई थी ऑपरेशन कराने। तीन महीने बाद तो उसे होश आया, उसे ये भी नहीं पता कि वो 3 महीने तक उसके दोस्त जो डॉक्टर है उन्होंने बचाया, और अब किस हालात में। उसे टाइम ड्यूरेशन नहीं पता, बिकॉज कोमा में होता है इंसान, उसे क्या पता चलेगा बेचारे को। जैसे ही होश में आती है पता चलता है कि अब मैं पार्थ को बता दूं, क्योंकि वो तो बीते हुए पिछले कल में ही जी रही है। 3 महीने का ड्यूरेशन उसे पता नहीं था, और अब उसे पता चलता है जब वो वापस आई है, तब वो देखती है कि टैनी और पार्थ शादी कर चुके हैं, क्लाइमेक्स हो चुका है, और शौर्वरी आती है तो मतलब उसकी एंट्री पे उसे बैंग बैंग रात भर तो मेरे साथ चल सुनालेट से आगे क्या होता है। बिकॉज ऑफकोर्स शौर्वरी अगर उसकी लाइफ में कोई मोटिव है तो वो है पार्थ। पार्थ से वो बहुत प्यार करती है, और पार्थ की वजह से मेरे ख्याल से एक उसी को देखने आती कि शायद अगर एक आखिरी मौका हो वो, पर तब तक शादी हो चुकी होती है। खैर, पार्थ और टैनी की शादी हो गई है। शौर्वरी अब पार्थ की जिंदगी में लौटकर वापस नहीं आना चाहती, इसीलिए वो चुपचाप बिना किसी को बताए वहाँ से जाने लगती है कि तभी शौर्वरी की टक्कर हो जाती है मोहिनी काकी से। मोहिनी से पीछा छुड़ाकर शौर्वरी वहां से भाग जाती है और फिर होती है टैनी की विदाई। वैसे शादी के सीक्वेंस में जो सबसे कमाल की बात हमें दिखी वो थी शौर्वरी यानी रश्मि देसाई और इस क्यूट से बच्चे की बॉन्डिंग। इस नन्हे बच्चे को देख रश्मि के दिल का प्यार उमड़ गया। बस फिर क्या था, पपिया झपिया ते सेल्फियां सब शुरू हो गया। थैंक यू, बट मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेस बस्टर है, एंड आई थिंक उनका टच एक बहुत ही अलग ही दुनिया में ले जाता है मुझे। एंड बच्चा दूसरे का होता है, मैं खेलती तो ऐसे हो कि अरे बापरे मेरा ही बेबी है, लेकिन उसको मैंने इतनी सारी पपिया कर दी, इतना प्यार दिया, इनोसेंट वर्ल्ड, बेचारे को कुछ नहीं पता है। एंड मेरे दिमाग में बहुत थॉट आते हैं और मैं बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, ऐसे संभाल के रखती हूँ। आई डोंट थिंक सो मैं कभी बता पाऊंगी व्हाट आई फील एग्जैक्टली, बट आई लव किड्स। भाई, पार्थ और टैनी की शादी हो गई है, शौर्वरी की वापसी भी हो गई है, और आज नहीं तो कल शौर्वरी का पार्थ और टैनी से आमना सामना भी हो ही जाएगा, और फिर दिल से दिल तक में कौन सा बवंडर आएगा इसका इंतजार ऑडियंस को बेसब्री से रहेगा। अक्साकबानी सिद्दीकी, E24।